चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। डूंगरपुर से अगली खबर सामने आ रही है। बता दें कि आज डूंगरपुर के दौरे पर जो है सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। पीठ में जैन मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में वो शामिल होंगे। और बता दें कि महंगाई राहत शिविर का भी अवलोकन उनकी तरफ से किया जाएगा। यहाँ तक कि लाभार्थियों से संवाद करने का कार्यक्रम उनका रहेगा। जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और पिछले 5 महीनों में चौथी बार डूंगरपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर, डूंगरपुर से आज दौरे पर रहेंगे यहाँ के, और कई उनके प्रस्तावित कार्यक्रम हैं। राहत शिविर का अवलोकन करेंगे। इसके अलावा पीठ में जैन मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। महंगाई राहत शिविर का उनकी तरफ से अवलोकन किया जाएगा। लाभार्थियों के साथ बात करेंगे। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें पिछले 5 महीनों में चौथी बार डूंगरपुर के दौरे पर आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सादिक अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, जरा बताएं आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ यहाँ पर प्रस्तावित कार्यक्रम रहेंगे, कितने बजे पहुंच रहे हैं? सादिक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी। सीएम के दौरे को लेकर क्या जानकारी है, क्या कुछ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम डूंगरपुर में आज रहने वाले हैं? आज तो रात को लेकर उनका अवलोकन है, और जो तय समय है उससे लेट हो रहे हैं। और यहाँ पे लोग, जो गर्मी है उसके बावजूद भी इतने त्रास हो रखे, जिसकी कोई यहाँ ना पानी की व्यवस्था है ना आम जनताओं के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ तक की पुलिस कर्मी भी धूप में तप रहे हैं। ठीक है, ये पिछले 5 महीने में कहा जा रहा है कि चौथी बार डूंगरपुर के दौरे पर सीएम आज रहने वाले हैं, तो कम समय में कई बार डूंगरपुर का दौरा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया है, इसको किस तरीके से देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण डूंगरपुर माना जाए चुनाव के लिहाज से? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो निर्धारित समय से फिलहाल मुख्यमंत्री अभी लेट बताए जा रहे पहुंचे नहीं है। भीषण गर्मी वहां पर इस वक्त पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर 31 मई को अजमेर दौरे पर रहने वाले हैं पीएम मोदी। अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे, और सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, और इसमें पीएम कई योजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। देखिए, चुनावों को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री भी कई बार राजस्थान के दौरे पर पहले आ चुके हैं, और कई उनके कार्यक्रम आगामी समय में देखने को मिलेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। अजमेर में 31 मई को पहुंचेंगे, जब केंद्र में मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर अजमेर का उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, कि इस दौरान कई बड़ी योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे।